नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री, लेकर आई हूं अपने झोले में आपके लिए एक कहानी, कुछ अंक और संख्याएं और साथ ही गणित के मजे मजे के खेल। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी से। सुबह का समय है, सुहावना मौसम है, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। एक पेड़ की एक डाल पर एक गिलहरी भी है जो चटकारे लेते हुए, मजे लेते हुए गूदे और रस से भरा हुआ आम खा रही है। पेड़ों पर बैठे पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं और उनके मुंह में भी आ गया है पानी। इतने में हुआ ये कि गिलहरी के हाथ से छूटकर आम गिर गया नीचे, धप। गिलहरी फटाफट से भागी, पहुंची आम के पास। इससे पहले कि कोई और आए, उसने थाम लिया आम को और लगी आम खाने। इस सब में एक पक्षी जो पेड़ पर बैठा था, उसने हिम्मत की, आया और गिलहरी के सामने बैठ गया। गिलहरी का दिल भी बड़ा था और उसने पक्षी को मना नहीं किया। तो गिलहरी और वो पक्षी लगे आम खाने, यानी दो पशु पक्षी आम खाने लगे। उसके बाद एक अन्य पक्षी आया, गिलहरी ने उसे भी मना नहीं किया। तो गिलहरी एक पशु और दो पक्षी, यानी तीन पशु पक्षी खाने लगे आम। एक और पक्षी आया, तो अब कितने हो गए? अब हो गए चार पशु पक्षी जो मिलकर खा रहे थे आम। कहानी यहां पर हुई नहीं, खत्म। एक और पक्षी आया, तो अब कितने हो गए? बताइए बताइए। चार पक्षी और एक गिलहरी, तो हो गए पांच पशु पक्षी जो खा रहे हैं रसीला आम। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, एक और पक्षी आया, और अब कितने हो गए? छह पशु पक्षी जो खा रहे हैं आम। थोड़ा ही समय गुजरा कि एक और पक्षी आया, तो गिलहरी एक पशु और बाकी पक्षी, तो हो गए सात पशु पक्षी जो खा रहे हैं आम। फिर अरे कहां चले, बैठो। फिर हुआ यूं कि एक अन्य पक्षी आया, और कितने हो गए? आठ पशु पक्षी खाने लगे आम। थोड़ा ही समय गुजरा कि एक पक्षी और आ गया, तो कितने हो गए? अब तो तुम समझ ही गए होगे, गिलहरी पशु, बाकी पक्षी, तो नौ पशु पक्षियों ने मिलकर खाया आम। उन्होंने की अच्छी सी दावत, और जब कुछ मिलकर खाते हैं, दावत करते हैं, तो कितना मजा आता है। आपने कहानी देखी, तो बताइए कौन कौन से पक्षी थे, क्या पहचान सकते हैं उन पक्षियों को? बताइए। बिल्कुल सही, आइए देख ही लेते हैं। तोता, कौवा, अरे बुलबुल भी तो है, कबूतर। और ये कबूतर तो ट्रैफिक सिग्नल पे इतना देखने को मिलता है, कहीं कोई चबूतरा हुआ, वहां लोग दाने डाल देते हैं और वहां आ जाती है कबूतरों की फौज और पूरी सेना। एक और छोटी सी चिड़िया बया भी तो है, और गौरैया, स्पैरो, और साथ ही है मैना। तो देखा आपने, कहानी तो सुनी, पक्षी और पशु गिन भी लिए, और इन पक्षियों को हमने पहचान भी लिया। अब ये बताओ कि जब कहानी शुरू हुई थी, तो शुरू में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? बताओ बताओ। एक गिलहरी, एक पक्षी, यानी कि दो पशु पक्षी आम खा रहे थे। दूसरा सवाल, हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? जहां तक मुझे याद है, भाई मैंने तो कहानी सुनाई है, पशु तो एक ही है गिलहरी, पक्षी आते हैं और हर बार एक पक्षी आता है ना मजे का खेल। और ये बताइए कि अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? आखिर में थे नौ। तो अंत में नौ पशु पक्षियों ने आम खाया। तो हमने गिन लिए सारे पक्षी,
और एक पशु, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। तो ऐसा करते हैं, पक्षियों की संख्या और उंगलियों की संख्या का मिलान करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक तरफ नजर आ रहे हैं कुछ पक्षी डाल पर बैठे हुए और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं कुछ हाथ और उनकी उंगलियां। तो गिनते हैं डाल के पक्षी, एक दो तीन चार। बताइए किससे मिलान करेंगे? बिल्कुल सही, एक इकलौता हाथ जो दिखा रहा है चार उंगलियां। दूसरा चित्र देखिए, गिने इन पक्षियों को, एक दो तीन चार पांच, हुए पांच पक्षी। अब किस जोड़ी हाथ से मिलाएंगे आप इसे? ध्यान से देखिए, शाबाश, एक हाथ दिखा रहा है तीन उंगलियां और दूसरा हाथ दिखा रहा है दो उंगलियां, तो तीन और दो हो गए पांच। अब ये चित्र देखिए, चलो गिनते हैं पक्षियों को, एक दो तीन चार पांच छः सात। अब आपके पास दो विकल्प हैं, बताइए। बिल्कुल सही, सात है ना, तो किससे करेंगे आप इसका मिलान? इस जोड़ी हाथ से, एक हाथ में आप देख रहे हैं एक दो तीन चार उंगलियां, एक अंगूठा, हो गए पांच, और दूसरे हाथ में दो उंगलियां, तो पांच और दो हो गए सात। उफ, कितना बड़ा पेड़, घना पेड़, इस पर तो बैठे हैं बहुत सारे पक्षी। आइए गिने उन पक्षियों को, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ पक्षी। अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है, बहुत समझदार हैं आप, तो समझ ही गए होंगे इसका मिलान करेंगे आप इस जोड़ी हाथ से। एक हाथ में है पांच, दूसरे हाथ में है चार उंगलियां, पांच और चार बने नौ। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, अब आप सीख गए हैं, हो गए हैं समझदार। तो हाथ की उंगलियां तो आपने गिन ली, पक्षियों की संख्या से भी मिलान कर दिया। अब थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई का स्तर बढ़ाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, आपको हाथ दिखाई देंगे, हाथ की उंगलियां दिखाई देंगी और दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे कुछ बिंदु। तो आपको उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान करना है। करके देखें, देखिए दो हाथ हैं, एक जोड़ी हाथ, अब कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन चार और पांच, पांच उंगलियां हैं। अब आइए बिंदुओं को गिनते हैं, कौन से बक्से से आप इस बक्से का मिलान करेंगे? शाबाश, ये आपने बिल्कुल सही किया, पांच बिंदु। अब आ जाइए दूसरे हाथ पे, उस पे आपको कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, एक दो तीन, कहां मिलान करेंगे? शाबाश, तीन बिंदुओं से। फिर देखिए आप अगला हाथ, उसमें आपको कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, एक दो तीन और चार, चार उंगलियां। अब बताइए कहां करेंगे मिलान? शाबाश, चार बिंदुओं से। अब आप खुद करके देखिए, दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, गिनिए इसकी उंगलियां, बताइए कितनी उंगलियां, छह। और इसका मिलान आप कहां करेंगे? सही पहचाना, छह बिंदुओं से। था ना मजे का खेल, हम कर रहे हैं उंगलियों की बात और उंगलियों के मिलान का खेल। एक खेल मेरे पास आपके लिए और है, जो आप अपने कक्षा के सहपाठियों और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आओ खेलें उंगलियों का जादू, है ये बहुत ही मजे का खेल मेरे बाबू। करना क्या है, अपने सामने अपने मित्र को बिठाना है और अपने दो हाथों का इस्तेमाल करना है, एक हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको अपने मित्र को कोई भी, मिसाल के तौर पर तीन उंगलियां दिखाइए, एक दो तीन।
अब आपका मित्र क्या करेगा? वो भी अपनी कोई तीन उंगलियां दिखाएगा, लेकिन किसी अलग तरीके से। आपने एक दो तीन ऐसे तीन उंगलियां दिखाई, तो वो क्या करेगा? वो दिखाएगा एक दो और एक, कितनी हो गई? तीन। उसी तरह से अगर आपने दिखाई चार उंगलियां, एक दो तीन चार, अब इन चार उंगलियों को आपका दोस्त कैसे दिखाएगा? आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, एक दो तीन चार। पर अगर मैं आपसे कहूं कि चार उंगलियों को दो हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप एक और तरीके से दिखा सकते हैं, तो वो क्या होगा? एक दो तीन और एक, हो गई चार। तो ऐसा खेल आप कर सकते हैं, नौ संख्या तक जा सकते हैं, दस तक जा सकते हैं, और देखिए कि आपके सामने वाला यानी आपका प्रतिद्वंदी या आपका दोस्त किस अलग अंदाज से दोनों हाथों को इस्तेमाल करके वो उंगलियां वो दिखा रहा है। तो खेलिएगा ये खेल, क्योंकि जब हम अंकों की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो बहुत मजेदार खेल में सीखा जा सकता है। अब निकलते हैं कक्षा से बाहर, आते हैं अरे स्कूल के प्लेग्राउंड में या घर के पास जो बगीचा है वहां। इसमें खेल सकते हैं आप एक मजे का खेल। तो पहले सब दोस्त, सब सहपाठी इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए, अब एक बच्चा वो बजाएगा ताली, और ताली बजाते बजाते जब वो ताली बजा रहा है, आप सब उसके इर्द गिर्द आसपास घूमेंगे, और फिर अचानक से वो बच्चा कोई एक संख्या बोलेगा। जैसे कि बच्चे ने बोला चार, तो अब क्या करेंगे? जितने भी बच्चे हैं वो चार चार के समूह बनाएंगे, और जो बच्चे किसी समूह में न आ पाए तो वो घेरे से बाहर आएंगे और ये जांच करेंगे कि हर समूह में चार चार बच्चे ही हैं। फिर ताली बजेगी, फिर बच्चे घूमेंगे घेरे में, फिर बच्चा एक संख्या बोलेगा। मान लो इस बार उसने बोला आठ, तो क्या होगा? सभी बच्चे आठ आठ के समूह में बंट जाएंगे। जो एक या दो बच्चे समूह में नहीं जा पाएंगे, वो बाहर आकर जांच करेंगे कि जो समूह बने हैं उसमें आठ बच्चे हैं कि नहीं है। तो आप नौ तक की संख्याओं को बोलकर इस खेल को जारी रख सकते हैं। नौ तक की संख्याओं को बोलकर इस खेल को जारी रख सकते हैं, और जब खेल रहे हैं तो थोड़ा सा विराम भी कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, आप खेलिए, मजे लीजिए। मैं स्टोरी वाली जयश्री आपसे मिलूंगी स्वादिष्ट आम पाठ के दूसरे भाग में। ख्याल रखिएगा अपना।
नमस्ते।